चलते हैं फोटोशॉप पे। ये रहा हमारा ओरिजिनल फोटो। इसके बाद मैंने पेन टूल से इसका बैकग्राउंड इरेज किया था सिलेक्ट करके, वो आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद इसका पीछे एक बैकग्राउंड ऐड किया था, ये वाला बैकग्राउंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाला। तो और ये बैक साइड का गन है, बाद में दिखाऊँगा आपको। तो पहले मॉडल को लाते हैं इसके ऊपर, मेरा तो अभी बैक साइड का गन लगा देना। और ये गन पे ये थोड़ा ये शेडो बनाना ताकि रियलिस्टिक लुक है, इसके लिए आपको करना होगा ये गन के ऊपर ही एक लेयर बनाना यहाँ ऐसे, और इसको कर देना क्रिएट क्लिपिंग मास्क। और ब्रश पे जाके ब्लैक कलर सिलेक्ट करके ब्रश का साइज आपके हिसाब से ऐसे ऐसे थोड़े ड्रॉ करना, और इसका ओपेसिटी जो है इसको कम कर देना, सही से करना ताकि शेडो पर शेडो की तरह लगे। बस मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये किया था उसके, ठीक है। उसके बाद ये हैंड गन जो है, ये एक पीएनजी है, बस ये यहाँ लगा के ये एक्स्ट्रा पार्ट हाथ के ऊपर जो आ रहा था वो इरेज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये बेल्ट, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। इसे भी लगा दिया था ऐसे ही रोक के ला के, और ये टाइम सही से एडजस्ट करके लगा देना। इसका भी शेडो बनाना, देखो टाई का शेडो, देखो ठीक है। इसका शेडो बनाने के लिए डुप्लीकेट लेयर लेना, और यहाँ इमेज पे जाके एडजस्टमेंट यूज सैचुरेशन, इसका सैचुरेशन -20, लाइटनेस -20, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना, और इसके बाद यहाँ मोड पे क्लिक करके आपके हिसाब से एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद ऐड किया था ये स्कैन, तो इसको भी ऐसे ही शेडो बनाना, एक लेयर लेना और उसके ऊपर क्रिएट लेयर मास्क करके, क्रिएट क्लिपिंग मास्क सॉरी करके शेडो बनाना, ठीक है। जैसे गन का बनाया था ऐसे, ठीक है। उसके बाद सारे लेयर का एक कॉपी लिया था मैंने शीट कंट्रोल अल्ट ई दबा के, तो वो लेयर ये रहा, और उसके ऊपर ही मैंने ये जो शेडो आ रहा था वो रिमूव कर दिया था। रिमूव करने के लिए यहाँ डस्ट टूल पे जाके यहाँ शेडो सिलेक्ट करना, यहाँ से टैप टैप करते जाना जहाँ शेडो होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या था स्किन स्मूथनिंग, ये देखो इसके लिए आपको करना होगा, दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है, ये देखो ये हाई पास का लेयर है और ये गजियन ब्लॉर का, ठीक है। ये दोनों को एक ग्रुप बना देना, और हाँ ये जो हाई पास का लेयर है इसको लीनियर लाइट कर देना। और हाई पास कहाँ से होता है, फिल्टर पे जाके अदर और हाई पास, इसको 1.2 या 1.5 पे रखना और ओके कर देना, ठीक है। और इसको लीनियर लाइट करना, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको स्किन स्मूथनिंग करना है ये ब्रश टूल पे जाके ब्लैक कलर यहाँ सिलेक्ट होना चाहिए सॉरी व्हाइट, और यहाँ पे ड्रैग करते जाना, ठीक है। तो आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा। और फिर से एक मैंने एक लेयर लिया था
कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई दबा के मेरा क्या डबल लेयर रहेगा ऐसा लिया था और इसका मैंने ये बैकग्राउंड ये जो ब्लू टोन आ रहा है इसको ब्लैक किया था इसको मैंने कैसे किया था चलो दिखता हूँ। तो इसके लिए मैं जूलियो लिया था इसके ऊपर क्लिक करना इमेज एडजस्टमेंट व्यू एंड सिचुएशन यहाँ क्लिक करके ब्लू कलर सेलेक्ट करना और सिचुएशन जीरो फिर माइनस 100 और ओके ठीक है। इससे मैंने एक लेयर लिया था देखो ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ही दबा के ठीक है ये आई का लेंस बनाया था इसे कैसे बनाते हैं जो मैं दिखाता हूँ एक लेयर लेना उसके बाद यहाँ क्लिक करके यहाँ सर्कल सिलेक्ट होना चाहिए इलिप्टिकल और सिंपली से यहाँ से करना ड्रॉ और उसके बाद स्टॉक पे चल के यहाँ से कलर आपकी मर्जी से उसके बाद ओके कर देना ठीक है। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके कंट्रोल डी पहले करना और फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करना और एक को लगाना और इसको मूव कर लेना एक को इधर ठीक है। बस ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ जैसे आई के बीचों बीच रखना जो एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर आएगा इसे इधर से रिमूव कर देना ठीक है। जैसे रिमूव कर देना इधर से ठीक है तो आपका हो जाएगा। तो मैंने ये सही किया था उसके बाद स्क्रीन पे थोड़ा डर्जन बन किया था ये देखो इसे करने के लिए ये रहा बन इसे कुछ नहीं करना बस दिखाता हूँ रुको आपको क्लिक कर देना पहले और कुछ नहीं करना यहाँ क्लिक करना ब्लैक एंड व्हाइट पे करना और रेड को माइनस के और लेके जाना सॉरी सॉरी यहाँ नहीं हो रहा तो क्या करना है देखो जो भी लेयर होगा उसको कंट्रोल शिफ्ट अल्टी दबा के यहाँ सिंपली से डस्ट टूल पे जाके जहाँ जहाँ आपका हाईलाइट हो रहा होगा वहाँ पे सिंपली से टैप टैप करना होगा ठीक है। उसके बाद ये हेयर बालों को थोड़ा लिक्विफाई किया था देखो लिक्विफाई करके यहाँ बर्न टूल से थोड़ा यहाँ ब्लैक ब्लैक कर दिया था बियर्ड पे तो लिक्विफाई करने के लिए फिल्टर लिक्विफाई और यहाँ से डायरेक्शन आपके हिसाब से करना ठीक है। और हेयर पे भी थोड़ा हाईलाइट किया था हाईलाइट करने सिंपली सेम सी डच टूल पे जाके जहाँ हाईलाइट चाहिए आपको वहाँ पे एक लाइन बनाना होगा बता दीजिए वो चिकन फीड है इसका कलर रिप्लेसमेंट किया था
इसके लिए ब्रश टूल पे जाके कलर रिप्लेसमेंट टूल ऑन करके यहाँ पे ड्रॉ करना हो जाएगा। चलो ये दिखा देता हूँ करके आपको। देखो ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी हम ब्लू कलर सिलेक्ट हैं, ऐसे करना ठीक है। तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में मैच हो जाएगा पूरा ठीक है। ऐसे क्या करना है अभी, उसके बाद फिर से एक डुप्लीकेट लेयर लिया था ऑल जितना भी लेयर है सबका, और कैमरा रॉ फिल्टर में थोड़ा कलर ग्रेडिंग किया था। ये देखो ऐसा था और कुछ ऐसा, तो ये मैंने कैसे किया था चलो बताता हूँ। कैमरा रॉ फिल्टर, उसके बाद पहले कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाना, यहाँ करके ग्रेडियंट थोड़ा यहाँ से थोड़ा मारना और नीचे से यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ क्लिक करके शार्पनिंग थोड़ा बढ़ाना इतना तक, और ल्यूमिनेंस भी थोड़ा, और यहाँ क्लिक करके सैचुरेशन ऑरेंज का कम करना ताकि स्किन टोन अच्छा लगे, और ल्यूमिनेंस थोड़ा बहुत प्लस के और लेके जाना ताकि स्किन थोड़ा लाइटिंग हो जाए, देखो रेड को भी थोड़ा ठीक है। और यहाँ सैचुरेशन पे क्लिक करके ब्लू का सैचुरेशन 0 ठीक है। उसके बाद यहाँ को अब पे जाके थोड़ा डार्क को माइनस किया और लाइट को ठीक है। ब्लैक को माइनस, क्लियरिटी थोड़ा ठीक है। देखो अब कैसा लग रहा है फोटो, तो ये थोड़ा लोड होगा। देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर ठीक है। ऐसे क्या था मैंने भी, उसके बाद ये फिर से एक लेयर लिया था और ये एजेस जो है वो सबको ब्लर ब्लर किया था थोड़ा। देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, और इसे ब्लर करने के लिए सिंपली से यहाँ क्लिक करना ब्लर टूल, जैसे सिंपली एजेस से ऐसे टप टप करते जाना ठीक है। जितना भी आपको एजेस आ रहा है सारे एजेस पे, ताकि बैकग्राउंड में परफेक्टली मर्ज हो जाए ठीक है। तो मैंने ये ऐसे किया था, उसके बाद आईज को शार्प करने के लिए यहाँ से क्लिक करना शार्पन टूल, आई पे जाके दो तीन बार टैप कर देना ठीक है। तो आई शार्प हो जाए, देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो वो हमारा फोटो जो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैंने ये अपना लोगो लगाया था ठीक है। पूरे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।